नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड एमआई सपोर्ट ऑटोमेशंस। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटाइल फॉर्मूले के ऊपर, परसेंटेज रैंक एंड रैंक फॉर्मूले के ऊपर में आज के साथ डिस्कस करेंगे। और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं रैंक और परसेंटेज रैंक के बारे में। तो हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमने हमारे स्कोर्स हैं, मतलब कि हमारे ऑफिस में एक टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट का एक स्कोर यहाँ पे जनरेट किया गया है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देखिए, रैंक रैंक डला हुआ है, मतलब कि ये समझिए कि मार्क्स डला हुआ है। अब मुझे इसका फर्स्ट कौन है, सेकेंड कौन है, थर्ड कौन है निकालना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे रैंक का फॉर्मूला। यहाँ पे रैंक, और रैंक में हम नंबर लेंगे किसका रैंक निकालना है और रेफरेंस किस में रैंक निकालना है। उसके बाद यहाँ पे देना पड़ता है ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। मतलब कि मान लीजिए कि 100 सबसे सबसे मैक्सिमम 100 है, तो 100 को 1 मानेगा अगर आप डिसेंडिंग करते हैं तो। अगर सबसे छोटा 10 है तो 10 को 1 मानेगा अगर आप डिसेंडिंग करते हैं तो। तो यहाँ पे हम पास और फेल के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन निकाल रहे हैं, सॉरी रोल नंबर्स होते हैं ना रैंक, तो वो निकालना है। तो हम यहाँ पे रैंक में 0 सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने अपने जो रेफरेंस है उस रेफरेंस को क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। और फ्रीज करने के बाद इसे हम नीचे ड्रैग करते हैं। उसके बाद यहाँ बारी आती है परसेंटेज रैंक की, कि रैंक के अकॉर्डिंग परसेंटेज क्या है ये अगर निकालना है तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे परसेंटेज रैंक। तो परसेंटेज रैंक के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, परसेंटेज एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव एंड यहाँ पे परसेंटेज रैंक। तो परसेंटेज रैंक हमने एरे ले लिया, डेटा ले लिया, और हमने सिलेक्ट कर लिया अपना किसका हमें निकालना है डेटा। और इसमें लास्ट में जो सिग्निफिकेंट था वो हमारा ऑप्शनल है, उसको डालने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ B2 को फ्रीज करता हूँ, क्योंकि फ्रीज करना जरूरी है, अदरवाइज नीचे घसक जाएगा। और नीचे की तरफ हम इसको करते हैं, उसके बाद परसेंटेज हमने लगाया। तो परसेंटेज का फॉर्म लगाया, देखिए पहले नंबर को 100% दिया है कि 100% रैंक है। उस तरह जैसे जैसे कम होते जा रहा है, यहाँ देखिए 68 है, इसका परसेंटेज 63 है, तो इस तरह से हो रहा है। और ये 9th नंबर पे है तो ये हमारा 0 है। लेकिन अगर हम बात करते हैं परसेंटेज इसी पे, परसेंटेज एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव के बारे में, तो यहाँ पे अगर मैं INC करता हूँ, हाँ, तो मैं लगाता हूँ परसेंटेज INC यहाँ पे इंक्लूसिव। और यहाँ पे हम अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं, लगाने का तरीका सेम है, बस रिजल्ट में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। और यहाँ पे हम इसको फ्रीज करते हैं और यहाँ पे हम इसको भी फ्रीज करते हैं। तो परसेंटेज एंड परसेंटेज एक्सक्लूसिव, अब देखिए बोथ आर द सेम। लेकिन अगर इसी में INC के जगह पे एक्सक्लूसिव EXC कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि 10% बढ़ जाएगा। जी हाँ, सेम चीज, 10% हमारा, देखिए 0 था तो यहाँ पे हो गया 100, यहाँ 100% वाले को इसलिए 90% दिया है। तो धीरे धीरे परसेंटेज कमते जाता है एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर परसेंटेज एक्सक्लूसिव को देखिए, रिटर्न द के एच परसेंटेज ऑफ वैल्यू रेंज वेयर इज द रेंज 0 to 0.1 एक्सक्लूसिव। और इसी अगर इंक्लूसिव को देखते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सक्लूसिव देखता है। तो ये हमारा परसेंटेज रैंक है, जो कि हमारा रैंक दिखाता है इन द परसेंटेज। अब एक परसेंटाइल का भी फॉर्मूला होता है इसमें, तो परसेंटाइल के फॉर्मूले को हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऐसे मैंने मोर देन 2500 वीडियोज अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आपको जाके सर्च करना है IPT इंडिया। IPT इंडिया सर्च करते ही मेरी पूरी डिटेल्स आपको, मेरे यूट्यूब पे मेरे सारे वीडियोज का लिस्ट आपको दिख जाएगा।
साथ में आप चाहते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। इसके लिए आपने वेबसाइट iptindia.com पे जाएं एंड डेमो क्लास फॉर्म को बुक कर दें। अगर डेमो का अच्छा लगता है तो ज्वाइन प्रोसेस को फॉलो करें। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिएगा।